हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो आप लोगों के लिए बुक की सीरीज स्टार्ट करने से पहले आई थॉट कि एक बार मैं डिटेल में खुद गो थ्रू कर लूँ बुक्स को, सो दैट आई कैन पिक अप द एग्जांपल्स एंड एक माइन्यूट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी उस बुक का है वो मैं आपको बता सकूँ। कंसेप्ट क्लियर होते हैं, बट कई बार हमें जब हम बुक पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी नई चीज़ें पता चलती हैं। तो बहुत कुछ होता है, हर बुक से सीखने के लिए कुछ ना कुछ है, दैट्स व्हाई डिफरेंट बुक्स बनाई गई हैं। बट क्या सेम कंसेप्ट एंड कंटेंट हर बुक से पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं रह जाता है, एंड आप लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं रह जाता है जब आपके पास टाइम कम रहता है, सिर्फ कंसेप्ट समझना ईजी लैंग्वेज में आप लोगों को होता है। सो दैट्स व्हाई वी द टीचर्स आर हेयर टू हेल्प यू आउट इन दिस, एंड दैट्स व्हाई आई एम प्लानिंग कि सोशियोलॉजी के रिगार्डिंग जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, बी इट हैरोलॉम्बस, बी इट रिट्जर, बी इट यूजीसी नेट के लिए ट्रूमैन और अरिहान, जो भी व्हाटएवर द बुक इज, कंटेंट जो भी है वो आप लोगों को प्रॉपर बुक की सीरीज स्टार्ट करके कवर कराया जाए, जिससे जिस भी स्टूडेंट के पास जो भी बुक है, देयर इज नो नीड टू परचेज एनी न्यू बुक, जो भी बुक है आप उससे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सके। तो यहाँ पे इस बुक में एक छोटे से कंसेप्ट को, वुमेन इशू वर्सेज जेंडर इशू, वुमेन इशू वर्सेज जेंडर इशू को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया। इन्होंने बोला कि रवांडा की जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ रही थी, मतलब 2% के रेट से जो है वहां की पॉपुलेशन बढ़ रही थी। अब इफ यू वांट टू कंट्रोल दैट पॉपुलेशन, तो एक एडवाइस, एक एड, क्या हेल्प की जा सकती है कि यू शुड स्टार्ट फैमिली प्लानिंग। यहां पे आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी है रिगार्डिंग फैमिली प्लानिंग, बट द सो कॉल्ड गवर्नमेंट एंड द चर्चेस ये रेडी नहीं है किसके लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए। दे आर अगेंस्ट दैट, दे अपोज दिस डिसीजन और द पॉलिसी और द प्रोग्राम, वो इसके अपोज में थे। अब यहां पे इस केस को हम लोग वुमेन इशू नहीं बोलेंगे, वी विल कॉल्ड इट एज जेंडर इशू। व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज जेंडर इशू, बिकॉज आपके जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट है, आपकी चर्चेज हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उस समय पे ये सब कौन कंट्रोल कर रहा था, ऑल दीज आर कंट्रोल्ड बाय द मेल, बिकॉज मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी, पेट्रियार्कल सोसाइटी हर जगह रही, वुमेन्स के पास इतने राइट नहीं होते थे कि वो प्रॉपर इन चीजों को कंट्रोल कर पाएंगी। तो जो वो कंट्रोल नहीं कर रही है तो वो ये रूल्स, मतलब इसके अगेंस्ट वो नहीं बोल रही हैं, राइट? इस पॉलिसीज के अगेंस्ट कौन बोल रहे हैं, मेल्स बोल रहे हैं, जबकि ये किसके रिगार्डिंग थी, मतलब वुमेन से भी रिलेट करती है। सो दैट्स व्हाई दिस कंसेप्ट इज कंसीडर्ड एज जेंडर इशू हियर। सो इस तरीके के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ अभी मैं शेयर करती रहूंगी। इफ यू वांट दिस वीडियो कि हम प्रॉपर बुक्स की सीरीज स्टार्ट करें, तो ड्रॉप द नेम ऑफ द बुक एंड आई विल ट्राई कि उसको भी फिगर आउट करके जल्दी से जल्दी ये सीरीज स्टार्ट की जाए। तो अभी वाले स्टूडेंट का जो अभी कोई एग्जाम देने वाले और देखे क्रैक कर लेंगे, आई थिंक उनका बेनिफिट नहीं होगा, बट इन फ्यूचर जो कोई भी एग्जाम प्लान कर रहे हैं किसी भी तरीके का, उन स्टूडेंट के लिए ये चीज बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। सो प्लीज ड्रॉप अ कमेंट, आप मुझे बुक का नेम कमेंट करके बता सकते हैं, सो दैट आई विल लुक फॉर दैट एंड आई विल स्टार्ट और ट्राई टू मेक द वीडियो रिगार्डिंग दैट बुक। थैंक यू एवरीवन।